राजस्थान का रण जीतने के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी कर दी, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी विधायकी का टिकट थमा दिया, लेकिन इसके साथ ही विरोध और बगावत भी खुलकर होने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का स्वागत भी गो बैक के नारों के साथ हुआ। सिर मुंडाते ही ओले पड़े। राज्यवर्धन सिंह के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब वो जयपुर शहर की झोटवाड़ा विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए उतरे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ नवरात्र के शुभ मुहूर्त के साथ विधायकी के प्रचार के लिए तो निकल पड़े, लेकिन कार्यकर्ताओं ने काले झंडों से उनका स्वागत किया, गो बैक के नारे भी लगाए। हालांकि निशानेबाजी की तरह सियासी निशाना सीख चुके राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी चतुराई दिखाई, गाड़ी रोकी, मिठाई खिलाई, नारेबाजी कम हो गई। लेकिन जब सवाल आया कि विरोध हुआ क्यों था, तो जवाब आया कि सब तो बीजेपी के ही हैं, मिठाई इसलिए खिलाई कि एनर्जी आ जाए। वाकई में राजस्थान के हर घर में अगर विकास की धारा पहुंचनी है तो वो तभी संभव है जब यहाँ पर कमल खिलेगा। और मैं जितना भी लोगों के बीच में अभी तक गया, ये तय मानिए कि राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार आ रही है। कल का जो तरीका था सबको लुभा रहा है, मतलब विरोध करने वाले को किस तरह से समझाया जाए वो आपसे सीखना। देखिए, चार पांच लोग खड़े हुए थे अकेले वहाँ सामने, मेरे कार्यकर्ता करीब 100-150 खड़े थे, उनसे अकेले खड़े हुए थे, अपना झंडा भी नहीं था बेचारों के पास, वो रुमाल घुमा रहे थे काले। तो मैंने कहा अपने ही लोग हैं साथ, तो मैं उतर गया, मैं उनके साथ गया, उनको गले लगाया। मैंने कहा आप करिए ना, जरूर दिखाइए, क्या दिक्कत है, लेकिन उसके लिए थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो थोड़े से लड्डू भी खाइए, थोड़ा पानी भी पीजिए और करिए, और हमारे आखिर तो मित्र ही हैं, हम सब मोदी जी के हैं। तो मैंने कहा आज फोटो खींच देंगे साथ में। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अकेले नहीं है जिन्हें बीजेपी में अपनों का ही विरोध झेलना पड़ रहा है। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी स्थानीय नेता अपना पत्ता कट जाने से नाराज है और जिन्हें टिकट दिया गया है उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं। इल्जाम ये कि सभी पैराशूट प्रत्याशी हैं, कुछ खुद विरोध कर रहे हैं, कुछ दूसरों से करवा रहे हैं। इस फहरिस्त में सांचौर से प्रत्याशी बनाए गए सांसद देवजी पटेल शामिल हैं, तो जयपुर के विद्याधर नगर से उम्मीदवार बनाई गई राजसमंद की सांसद दिया कुमारी और झोटवाड़ा से प्रत्याशी बनाए गए बीजेपी सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शामिल हैं। बगावत का आलम यह है कि बीजेपी के कई नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए। हालांकि राजस्थान में अभी कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के कलह पर चुटकी लेने में वो पीछे नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची ये बता रही है कि उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बेनकाब हो चुके हैं। जो महिलाओं की बात करती थी, जो दो बार सूबे की मुख्यमंत्री रही, वो पहली सूची के अंदर नहीं, क्योंकि ये राज्यवर्धन राठौड़ जिन्हें इस ना राजस्थान की सरजमीने पूरे हिंदुस्तान सर अपनी सर सर सरों पर बैठाया था, वो आने के बाद में 9.5 साल तक कहाँ थे, जनता की अदालत से नदार थे, मोदी जी के नाम से सांसद बन के चले गए, आज जनता की अदालत में जाएंगे वो क्या जवाब देंगे, अग्निवीर सेना की जो योजना है उसके बारे में वो क्या बात बोलेंगे। राजस्थान में अभी बीजेपी की एक ही लिस्ट जारी हुई है जिसमें 41 उम्मीदवारों के नाम है, यानी 200 सीटों वाले राजस्थान में अभी बीजेपी के 159 सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। नाराजगी और बगावत का विस्तार होना भी बाकी है। केजे श्रीवत्सव, जयपुर, न्यूज 24।